How to remove mods without deleting any mod, guys. Welcome back to 27 Game Tech. मैं हूं धर्मिंद संगाड़िया, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर। सब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे को खुद को पता होता है कि भाई मॉड्स इंस्टॉल करने में कितना दिक्कत होता है और कितना टाइम लगता है, और जब आपको GTA ऑनलाइन खेलने की इच्छा होती है तो आपको मॉड्स डिलीट करने पड़ते हैं। तो मैं आज आपके लिए लाए हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन, जिसकी मदद से आप GTA ऑनलाइन भी खेल सकते हो, आपको मॉड डिलीट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू 27 गेम टेक, ऐसे ही बेहतरीन ट्यूटोरियल वीडियो के लिए भाई सब्सक्राइब टू 27 गेम टेक, एंड ऑल्सो मेक श्योर यू चेक आउट माई गेमिंग चैनल एज वेल। मैं गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई मेरी गेमिंग चैनल के ऊपर और 27 गेम टेक के ऊपर, दोनों के ऊपर भाई हज़ार हज़ार तक पहुँचवा दो, 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचवा दो यार। दोनों चैनल के ऊपर बहुत ही सपोर्ट दिया है मेरे को, उसके लिए भाई दिल से थैंक यू। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आते रहेंगे इन द नियर फ्यूचर। अभी तो भाई मैंने अपने कंटेंट को थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए इतने बहुत 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 अच्छे अच्छे स्टेप मैंने सोचे हैं, ठीक है। वो तो आप लोगों को इन द नियर फ्यूचर सब कुछ दिख जाएगा। तो के लिए गाइज आपको सिंपली एक ही चीज़ चाहिए, जिसका नाम है GTA 5 मॉड रिमूव टूल। अभी नाम से आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो मॉड रिमूव कर लेगा, मतलब कि शायद से डिलीट कर देगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इस फाइल को पहले डाउनलोड करना है, ठीक है। इसका लेटेस्ट वर्जन हमको डाउनलोड करना है, आपको जहाँ पे चाहो वहाँ पे। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल जहाँ पे मेरा एपिक गेम्स है वहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो फिर 400 KB की फाइल है खाली, देखो अपनी यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अभी मैं उसका फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले आपको मेरी GTA 5 दिखा देता हूँ। मेरी GTA 5 के अंदर देख सकते हो LSPDFR का मॉड डला हुआ है, मॉड्स का फोल्डर है, ठीक है। फिर DIMPUTED मतलब कि आपका स्क्रिप्ट हुक है, स्क्रिप्ट हुक की फाइल्स है, ठीक है। अभी इन सभी चीज़ों की वजह से भाई मैं तो GTA ऑनलाइन नहीं खेल सकता, तो फिर मैं कैसे खेलूँ GTA ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपकी ये जो RAR फाइल है, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू ये फोल्डर का नाम होगा उसको कर लेना है, ठीक है। जिससे अपने ये पूरा एक अलग से फोल्डर में एक्सट्रैक्ट होगा, हमको इसको डिलीट करना है, कोई टेंशन नहीं है। अभी हमको करना क्या है, ठीक है, हमको मॉड्स डिलीट नहीं करने हैं, हमको क्या करना है, हमें रिमूव टूल को ओपन करना है। जैसे ही आप रिमूव टूल को ऑन करोगे आपका एडमिनिस्ट्रेटर का पूछेगा ये, और पहली बार अगर आप ये यूज़ कर रहे हो इस टूल को तो आपको ये पूछेगा कि आपकी GTA 5 कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ओके दबा देना है और हमें अपनी GTA 5 का जो पाथ है वो हमें दे देना है, ठीक है। तो ये मेरा GTA 5 का फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया है, ओके दबा दिया, तो इसने ना सारे के सारे मेरे मॉड्स अभी ये पकड़ के मेरे को दे देगा, ठीक है। एंड ये देखो मेरे दो दो खुल गया। मेरे को लगा पहली बार ना, मेरा यहाँ पे पीछे एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चल रहा है इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी मेरे मॉड्स की फाइल है ना, मतलब कि ये ग्रीन कलर की जितनी फाइल्स है ना वो सब फोल्डर है, और रेड कलर की जितनी भी फाइल्स है ना वो सभी फाइल है। मींस के ASI हो गया, ये देखो मेन्यू का ASI हो गया, ठीक हो मेन्यू का, और ग्रीन कलर मतलब कि मेन्यू स्टफ जो फोल्डर है वो। अभी अगर आपके पास यहाँ पे दो चॉइसेस है, अगर आपको सभी के सभी मॉड्स डिलीट करने हैं तो आप सिंपली ये रेड वाला जो बटन है डिलीट वाला उसके ऊपर क्लिक कर दो। बट अगर आपको इन सभी मॉड्स को सेव करके कहीं पे साइड पे लगाना है तो आपको ये येलो वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं येलो वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये सभी के सभी मेरे मॉड्स को, ठीक है, साइड पे ले जाएगा। अभी देखो भाई मैंने कितने सारे मॉड डाले हुए अपनी गेम के अंदर, मतलब कि इसको कितना टाइम लग रहा है ये सब कुछ करने में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फाइनल स्क्रिप्ट हुक तक आ गया फाइल, और ये देखो ये जब आपके पास ये कन्फर्मेशन आएगा ना कि योर GTA 5 फोल्डर इज नाउ क्लियर, आपको यहाँ पे ओके डबल देना। और अभी अगर आपको भाई कंसर्न हो कि मैंने जो फाइल मॉड की, ठीक है, जो मेरे मॉड्स मैंने साइड पे डाले वो मेरे को कहाँ पे मिलेंगे, तो ये देखो आपकी GTA 5 की डायरेक्टरी ना यहाँ पे, उसके ऊपर हमको बैक करना है। देखो GTA 5 मॉड रिमूव टूल वाइट लिस्ट, ये मेरे सभी के सभी मॉड्स, ठीक है, ये मेरे सभी के सभी मॉड्स सेफली मेरी गेम से बाहर आ चुके हैं। और जब भी मेरे को मॉड करने की इच्छा हो मेरे को सिंपली ऐसे भी मॉड्स को सिलेक्ट करके कट करना है, एंड सिंपली मेरी GTA 5 के अंदर यहाँ पे पेस्ट करके एक बार खाली रिफ्रेश लगा देना है, जिससे मेरे मॉड वापस से GTA 5 के अंदर लग गए। तो जैसे कि एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों के पास दूसरा वर्जन का गेम है, मतलब कि लाइक क्रैक वाला गेम है, ठीक है, तो आप अगर GTA 5 मॉड रिमूव टूल करोगे ओपन, ठीक है, तो उसमें अरे थैंक यू यार, अपन लाइक यू नो अपन सब्सक्राइबर की तरफ से अगर हमको कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से कि मैंने बोला आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। तो
जो लोग क्रैक का गेम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनकी अगर वो लोग जो ये वाला यूज़ करेंगे GTA 5 मॉड रिमूव टूल, तो उनमें से ना एक फाइल वो निकाल देगा, ठीक है, launch.dll, launc.dll नाम की एक फाइल होगी, वो ना निकाल देगा। अगर वो फाइल निकल जाएगी ना, तो आपकी जो क्रैक वाली गेम है ना, वो रन नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली वो launch.dll जो फाइल है ना, उस खाली एक ही फाइल को कॉपी करके कहीं पे सेफली डाल देना है, जिससे आपका उस फाइल का बैकअप रहे। तो अगर आप गलती से वो वाली फाइल भी निकाल दो ना, तो भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। आपका गेम फिर भी वापस से वो वाली फाइल बैकअप को कॉपी करके वापस से गेम में डाल दो, और वापस आपकी जो क्रैक वाली गेम है वो भी रन करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो भाई फटाफट से वीडियो के ऊपर लाइक करो यार, आपका लाइक बहुत मैटर करता है, आपका सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है यार। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग 27 गेम टेक। यार हम लोग ऑलरेडी 800 सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले हैं, तो यार फटाफट से पहुंचा दो। मैं तो बोलता हूँ दोनों चर्क पर, जैसे कि मैंने आगे बोला, 1K करवा दो यार। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ एंड कीप गेमिंग एंड कीप मॉडिंग।